हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। देखिए, बारिशों का मौसम है, बहुत सुंदर करौंदे आने लगे हैं, लाल लाल। तो ये 1 किलो करौंदे मैंने लिए हैं। आज हम बनाएंगे करौंदे का, हम जो हाथ खाने वाली चटनी होती है वो बनाएंगे। चटनी कह लीजिए, पिकल कह लीजिए, पर ये होता है कि हाथ क्या आप इसको फ्रिज में रखकर कुछ दिन में ख़त्म कर लीजिए, रख नहीं सकते इसको, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए देखिए दो तरह से हम बनाएंगे। तो एक तो ये है साबुत करौंदा, है ना। इसके हमने ये ऊपर की सारी जो ये है ना, ये जो डंठल है जहाँ से डंडी में लगा रहता है, इसको सबको हम निकाल देंगे। खूब अच्छे से इनको धो करके मैंने भिगो दिया था नमक और फिटकरी के पानी में। सारी सब्जियों को मैं भिगोती हूँ और फिर इसको निकाल करके खूब अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है, पोंछ के रख लिया है। और ये है मैंने जो आधे कर लिए, इनको मैंने बीच में से ऐसे लंबाई में काटा है। देखिए ये करौंदा है, इसको मैंने ऐसे बीच में से इसको ऐसे कट कर लिया है। ये देखिए ऐसे लंबा काट लिया, और इसके अंदर बीज होता है, बीज कसैला होता है, तो बीज निकाल दिया है सबका। एक एक करौंदे का बीज हम चाकू से आप ऐसे उखाड़ेंगे तो निकल जाता है। और ये साबुत करौंदे रखे हैं, इसको हम बॉईल करके बनाएंगे, इसको हम छौंक के बनाएंगे। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर रख दिया है। ये जो साबुत वाले करौंदे थे, करौंदे देखिए दो तरह के आते हैं, एक हरे और एक ये लाल। मैं लाल करौंदे ही बनाती हूँ, हरे वालों में कसैलापन ज़्यादा होता है। तो इसमें मैं साबुत करौंदे डाले, इसमें मैं पानी बस इतना ही डालूंगी कि करौंदे डिप हो जाएं। और इसमें हम प्रेशर लगा देंगे और जैसे ही एक सीटी आएगी हम इसको ऑफ कर देंगे गैस को। हम इसको बहुत देर तक कुकिंग नहीं करनी है। प्रेशर आने के बाद जैसे ही एक विसल आएगी हम इसको, मैं लगा रही हूँ ढक्कन इसका, और जैसे ही इसमें एक विसल आएगी हम इसको ऑफ कर देंगे। तब तक हम जो छोंक कर बनाते हैं पैन में वो वाले करौंदे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी करौंदे छोंकने जा रही हूँ, आपको दिखाया मैंने। मैंने वाले बॉईल करने के लिए रख दिए, प्रेशर कुकर में एक विसल हो गई है, मैंने उसे ऑफ कर दिया है। अभी मैंने देखिए साइड डिश के लिए दो खीरे छील कर कद्दूकस करूँगी और एक एक गाजर कद्दूकस करूँगी। और ये खीरे चख लिए हैं ऊपर से और नीचे से, थोड़ा हम घिस लेते हैं, जो इसमें झाग जैसा निकलता है पदार्थ वो निकालना ज़रूरी होता है, उसको पॉइजन जैसा कहते हैं, तो वो निकाल दिया है। और ये खीरे कड़वे नहीं हैं, चेक कर लिया है। तो अब मैं इन तीनों चीज़ों को कद्दूकस करके मिला के रखूँगी। और एक एप्पल जिस समय मैं सर्व करने लगूँगी, बिल्कुल टेबल पे लगाने लगूँगी, आपको दिखाऊँगी, तभी मैं एप्पल कट करूँगी। नहीं तो एप्पल लाल होने लगता है, उसको मुझे नींबू में भिगोना पड़ेगा या फिर उसको थोड़ा सा चीनी में करके उसको रखना पड़ेगा, जो मुझे नहीं करना डिश के लिए। तो इसलिए एप्पल मैं हाथ के हाथ काटूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कद्दूकस कई तरह का होता है। एक ये है पतला महीन कद्दूकस, इससे थोड़ा मोटा है ये वाला कद्दूकस, है ना। अब एक और आपको दिखा रही हूँ, ये मैं ये वाला करूँगी, इतने मोटे टुकड़े वाला ये मैं करूँगी। खीरा मैं इतना मोटा वाला करूँगी और गाजर जो है वो मैं ये वाला करूँगी। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि खीरा पानी बहुत छोड़ता है, इसलिए मैं खीरे को थोड़ा मोटा करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं इतनी महीन कर रही हूँ गाजर, खीरा मैंने मोटा किया है ना। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हम इसको बारीक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैंने बस 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है, जो भी आप ऑयल खाते हैं। गरम होने दीजिए इसको, उसका भी प्रेशर नहीं खुला है, तो उसका प्रेशर खुलेगा कुकर का, तब हम वो करौंदे छलनी में डालेंगे पानी निकालने को। मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, आधा चम्मच जीरा और आधे चम्मच से थोड़ी कम राई और आधा चम्मच सौंफ, इसको हम तड़कने देंगे। इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं पड़ती है।
आप जितनी मिर्च खाते हैं उस हिसाब से आप डालिए, कम ज्यादा ये आपके ऊपर है। हरी मिर्च आप तोड़ के डालिए छोटे छोटे टुकड़ों में, साबुत डालिए या दो पीस में करके डालिए, ये भी आपके ऊपर है। अब हम इसमें डालेंगे बहुत जरा सी हींग टेस्ट के लिए, और अदरक का पिसा हुआ सूखा अदरक का पाउडर, थोड़ा सा इसको मैं चला दूंगी ऐसे, फ्लेम मीडियम है मेरी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी करौंदे कटे हुए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में भर गई है। और अब हम इसको चला देंगे, ये बहुत खट्टे होते हैं तो इसमें नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नमक भी इसमें चल जाता है। इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी। मुश्किल से मैंने इसमें डाला है इतना पानी कि ये देखिए डिप हो गए बस। अब इसको मैं ढक्कन लगाकर रख दूंगी। इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी हल्दी, बहुत जरा सी, इसमें हल्दी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, बस इसलिए पड़ती कलर आ जाए, बाकी इसमें ऐसा हल्दी की इतनी वो नहीं रहती जरूरत, हल्के सा बस कलर आ जाए इतनी हल्दी आप डालिए। और इसको हम सिम करके इसको मैं रख देती हूँ, बॉईल हो रहा होना शुरू हो जाए, पानी उबाल आ जाए, उबाल आने लगा है, इसको मैंने ढक दिया है और इसको हम सिम कर देंगे जब तक ये गलेंगे नहीं। ये बहुत जल्दी गलते हैं, इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। फ्रेंड्स ये गल गए हैं, इनको मैं छलनी पे यहाँ डाल रही हूँ। बहुत गर्म है और इसका पानी निकल गया, अब इसकी डंडी और गुठली हम निकाल देंगे। बहुत इजीली गुठली और डंडी देखिए सब अलग हो गई, गुठलियाँ भी सब अलग हो गई हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ, देखिए गुठलियाँ पड़ी हैं, ये देखिए ये गुठली है, ये रही गुठली, ऐसे सारी गुठलियाँ निकल गई हैं इसकी बाहर, और हम गुठलियाँ अलग कर देंगे और गूदा अलग निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये करौंदे बिल्कुल गल गए हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल देखिए एकदम गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, चीनी आप अपने हिसाब से डालिए जितना मीठा आपको चाहिए, खट्टे होते हैं बहुत, कई लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कई लोग खट्टे करौंदे खा लेते हैं, तो आप टेस्ट कर लीजिएगा। मैंने इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ी सी कम मैंने इसमें चीनी डाल दी है, फ्लेम फुल है, थोड़ा सा इसको मैं पका लूंगी। और बस ये करौंदे की हमारी, जो हमने कच्चे करौंदे छौके थे वो तैयार है, अब मैं उबले हुए करौंदे की आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स वो मैंने दूसरी फ्लेम पे रख दिए हैं, वहां वो थोड़ा सा पक जाएगी चीनी, है ना, मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। देखिए अभी थोड़ा सा बस 2 मिनट पकाऊंगी इसको मैं। अब मैं इसमें यहाँ पर इन करौंदों को मैं आपको बीज दिखाती हूँ उनके, अगर फेंके नहीं है मैंने बीज तो। ये करौंदे देखिए, देखिए इस तरह से करौंदे जैसे वो पके हैं ना ऐसे ही ऐसे हो गए हैं, इनके मैंने बीज निकाल दिए हैं। ऑयल में बस उसी तरह से हम मसाला डालेंगे, बहुत थोड़ी सी हम डालेंगे पहले राई, थोड़ी सी हम राई डालेंगे चटकने देंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें जीरा, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें सौंफ,
देखिए ये करौंदे हो गए, इनको मैंने बंद कर दिया, फ्लेम ऑफ कर दिया। ये भी तड़क गए, इसमें हम डाल देंगे हींग थोड़ी सी, थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा सेंटर में ला के इसको मैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई अदरक, और बस इसमें मैं ये करौंदे डाल दूंगी। फ्लेम सिम है, बिल्कुल धीमी फ्लेम है, क्योंकि करौंदे पके हुए हैं। ये बिल्कुल तैयार है चटनी आपकी, फटाफट एकदम। ये साइड डिश में खाने के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। हमें अपना बचपन याद आ गया, मैं और मेरी सिस्टर, हम पढ़ते थे आगरा दयाल बाग में। और मैं आपको एक टीस की बात बता रही हूँ, जब हम वहाँ से लौटते थे कॉलेज से, रोड से दोनों तरफ, खेतों के दोनों तरफ करौंदे के झाड़ लगे हुए थे, और हम वहाँ से ढेर सारे करौंदे तोड़ करके हम सारी फ्रेंड्स मिल करके लेकर आते थे। ये देखिए, ये हमने नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया। अब मैं ये थोड़ा सा नमक में मिला लूँगी बस, और फिर आकर हम अपनी माँ और अपनी नानी से बोलते थे हमारे को फटाफट ये चटनी बनाओ, हम इससे पराठे खाएंगे। ये देखिए, इसमें मैंने चीनी डाल दी आधा कप से थोड़ी सी कम, और ये हमारे चीनी गलने तक बस हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे, जैसे चीनी की चाशनी होगी, और ये करौंदे तैयार चटनी। देखिए, ठीक है, ये हमने बनाया प्रेशर कुकर में, जो उबाल करके बनती है ना। बस तैयार हो गई चटनी है आपकी। फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ, सर्विंग के लिए दोनों चटनी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा गरम मसाला सर्विंग के समय। मैं तड़का बना रही हूँ, इसमें मैंने डाला है 1 से 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी राई, तकरीबन 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून। इसमें मैं हरी मिर्च के छोटे टुकड़े करके डाल रही हूँ, हाथ से तोड़ के इस तरह से। फ्लेम थोड़ी तेज कर दी है मैंने। अभी मैं इसमें डालूंगी, जैसे ही राई तड़केगी देखिए राई तड़कने लगी है। इसमें डाल दिया मैंने कड़ी पत्ता, और ये फ्लेम मैंने कर दी है बंद। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून से 3 टीस्पून कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट। इसको हम इसमें थोड़ा सा गरम सेक लेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। थोड़ा सा और डालूंगी मैं बस, इसको मैं हल्का सा इसमें सेक लूंगी, पकड़ से पकड़ के। गरम है बहुत अभी भी ये नीचे से बर्नर, उसी में जिससे कोकोनट लाल ना हो जाए। हमें देखिए लाल नहीं करना है कोकोनट को, बस सेकना है जिससे ये काला ना होए, लाल ना होए, लेकिन कच्चा भी ना रहे। फ्रेंड्स, ये करौंदे की जो मैंने काट के बनाए थे ये उसकी चटनी है, जो ये बॉईल करके बनाई है उसकी चटनी है। और ये देखिए, ये साइड डिश का करौंदे हो गए, ये ककम्बर और गाजर मैंने आपको दिखाया था ग्रेट करके रखी है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अपना, जो ये मैंने बहुत गर्म है अभी, ये जो मैंने कोकोनट और ये जो राई का मैंने मसाला तड़का बनाया था, ये इसमें मैं डाल दूंगी।
देखिए कोकोनट बिल्कुल भुरभुरा हो गया। देखिए मैं कहती हूँ ना लाल नहीं करेंगे, देखिए तब भी सिक करके हल्का सा लाल हो गया, ये बढ़िया हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़े से हमने चर्न किए हैं एप्पल एक, और छिलके के साथ किया है मैंने इसको चर्न, इसको हम डालेंगे और इसको हम पूरे को इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे, ये दो दिन का दही है, दो तीन दिन का दही है, खट्टा नहीं है ज़्यादा लेकिन बिल्कुल फ्रेश भी नहीं है। ये दही हम इसमें डालेंगे, इसको मैंने ना तो फेटा है ना कुछ किया है, बस ये मैंने डाला है तकरीबन 1/3 कप, मतलब 1/4 से थोड़ा सा एक चम्मच ज़्यादा, और इसको मैं इसमें पूरे में मिक्स कर दूँ। ये रायता नहीं है लेकिन ये डिश है, बहुत अच्छी साइड डिश। देखिए फ्रेंड्स ये जैसे हम लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, सैलेड के साथ या पिकल के साथ आप कुछ और रख सकते हैं, तो आप ये भी फूड ऐसे साइड डिश में रख सकते हैं, तो आपका टेबल में भरा हुआ लगेगा, खाली नहीं लगेगा। सैलेड के साथ आपके पास रायता नहीं है, खाली दही है, आप इस तरह से ये चिल ठंडा आप ये आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। इसमें एप्पल की हल्की सी मिठास खटास आती है, कैरेट और ककम्बर का टेस्ट, कोकोनट का टेस्ट, राई करी पत्ते का तड़का, बहुत लाजवाब लगता है ये खाने में साथ में। तो आप इस तरह से ये अपना फूड टेबल पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। अनूठी में विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आते रहेंगे और मैं इसी तरह अपनी डिशेस रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।